मनीषा के साथ हुए गैंगरेप का देश के कोने कोने में विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि इसी क्रम में वाराणसी में भी आक्रोश के साथ कैंडल मार्च निकालकर नम आंखों से मनीषा को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने हाथरस में हुए सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना पर पीड़िता के परिजनों को इंसाफ के लिए छात्रा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 2 से साजन चौराहे तक दर्जनों छात्रों ने हाथों में कैंडल लेकर कैंडल मार्च निकालकर सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए कैंडल मार्च निकालकर सरकार का विरोध किया। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के साथ वही भारत माता मंदिर पर जाकर 2 मिनट का सभी लोगों ने मौन रखकर मनीषा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्रों की मांग है कि दरिंदगी भरी घटना को अंजाम देने वाले युवकों को तत्काल सरकार उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। सभी विद्यार्थी भी हैं, छात्र भी हैं, बेरोजगार युवक भी हैं और पदाधिकारी भी हैं। हम लोग ये जो हाथरस की बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण या एक तरीके से कह सकते हैं कि अनैतिक जो कुकृत्य किया गया है उसके खिलाफ हम लोग एक कैंडल मार्च निकाले हैं, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से निकल के यहाँ जो बनारस के अद्भुत जगह है स्वतंत्रता संग्राम के भारत माता मंदिर तक हम लोग आए हैं। और हम लोग यह चाहते हैं कि जो मनीषा जो कि एक दलित समाज वाल्मीकि समाज की लड़की थी जो जिसका रेप किया गया है 4 सवर्ण युवकों द्वारा, उनको सख्त सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और हम लोग को पूरा विश्वास है कानून व्यवस्था पर, सरकार पे तो नहीं है, योगी सरकार जिस तरीके का जो कार्य कर रही है उनको बचाने का, क्योंकि 8 दिनों तक FIR की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल में बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी जिह्वा को काटने का प्रयास किया जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डियों को तोड़ दिया जाता है और मृतक अवस्था में उसे छोड़कर बाजरे के खेत से निकल जाते हैं लोग। और हॉस्पिटल में जिस पर कल वो मृत्यु हो जाती है और उसको रात में 2 बजे एक मतलब जैसे कहते हैं उसको परिवार को उसकी डेड बॉडी न सुपुर्द करके आनंद फानंद में प्रशासन सबूतों को मिटाने के लिए जला देती है। और उसकी माँ कहती रहती कि मैं अपने बिटिया को कम से कम हल्दी तो लगा लूँ, जो हम लोगों के समाज का जो अंतिम कार्य होता है जाते जाते विदाई का, हल्दी तो लगा दूँ, लेकिन वो इतना तक नहीं करती है और प्रशासन सोए रहती है। और इस पर भी DM और SSP का बेतुका जो बयान आ रहा है ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग यही चाहते हैं योगी सरकार मोदी सर माननीय न्यायालय से कि स्वतः संज्ञान में लेते हुए ये 4 अभियुक्तों को सख्त सख्त जो कि सजा दे। और हम ये भी चाहते हैं कि अगर ये सरकार नहीं चल पा रही, नहीं चला पा रही है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रही, स्वयं इस्तीफा दे दे, अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। हम जो लोग कहें कि सरकार कोई और चलाएगा, आप अपने मठ का कार्य को करें।